आज हम बात कर रहे हैं स्किन टाइटनिंग और लिफ्टिंग पे। स्किन टाइटनिंग और लिफ्टिंग क्यों एक बड़ा ही कॉमन इशू होता है और इसके ऊपर क्यों बात होनी चाहिए, क्योंकि स्किन के स्ट्रक्चर को समझना और एज वाइज अपनी स्किन का लुक आफ्टर करना और कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ सीखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्किन का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और उसको आपने ओवरकम कैसे करना है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नेचुरली ऐसी स्किन टाइप्स होती हैं कि वो यंग एज में भी बहुत जल्दी जल्दी कॉलेजन इलास्टिन लूज़ करती हैं। ठीक है, एज वाइज नहीं, मतलब एज ज़्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी जल्दी लूज़ कर रही होती हैं कॉलेजन इलास्टिन। ऐसी स्किन्स कौन सी होती हैं? ऐसी स्किन्स वो वाली होती हैं जो कि हाइट पे रहने वाले लोगों की होती हैं और फॉर सम हाउ क्योंकि वो सन प्रोटेक्शन नहीं देते या नहीं यूज़ करते नॉर्मली या कर रहे होते हैं या उनको पता ही नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि उनकी स्किन में वियर एंड टेयर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसकी वजह से यानी कि जो अब्यूज़ है सनलाइट का, सनलाइट की प्रोटेक्शन ना होने की वजह से जो कॉलेजन इलास्टिन है वो बहुत लूज लैक्स और फिर कम होती चली जाती है और फिर आप देखते हैं कि आपकी स्किन, आपकी एज ज़्यादा नहीं है लेकिन जो स्किन है वो आपको पहले की तरह टाइट और लिफ्टेड नहीं फील होगी, आपको सैगी और लूज़ फील होगी। और याद रखिएगा कि लूज़ और सैगी स्किन के ऊपर आपको फाइन लाइंस भी ज़्यादा नज़र आएंगी, आपको रिंकल्स भी ज़्यादा नज़र आएंगे और इसके अलावा क्या होगा, आपको ओपन पोर्स भी ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से एज के साथ जैसे 24-25 की एज तक तो हर चीज़ बॉडी में एम्पल अमाउंट में बन रही होती है, अच्छी अमाउंट में बन रही होती है, लेकिन 24-25 ईयर्स के बाद जो है वो फिर चीज़ें बनना कम होती जाती हैं और जो आपके पास रिजर्व्स होते हैं उनको यूटिलाइज़ करना ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने 24-25 की एज तक अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में रिजर्व्स जमा ही नहीं किए होंगे तो आप यूज़ क्या करेंगे? इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में आपने पैसे जमा ही नहीं किए हुए थे, आपने कुछ डिपॉजिट ही नहीं किया हुआ था, तो अब आप अर्न नहीं कर रहे, ठीक है, अब आप और अर्न नहीं कर रहे और आपने उसी में से यूज़ करना है तो आपने डिपॉजिट किया ही नहीं होगा तो आप यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, आप उसे कैसे यूज़ करेंगे, आपके पास कुछ होगा ही नहीं। फिर उसी तरह से हमारी बॉडी भी होती है, बॉडी के अंदर आपने टिल द एज ऑफ 24-25 आपने रिजर्व्स को जमा करना होता है ताकि आप जब चीज़ें बनना बंद हो जाएं आपकी बॉडी में, जब बॉडी में बंद हो रही है तो स्किन में भी बंद होना शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको सीमेंट ऑफ स्किन कहते हैं। ठीक है, वो कॉलेजन और इलास्टिन है, उसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं लेकिन कॉलेजन इलास्टिन का आप नाम भी बहुत सुनते रहे हैं, आजकल आपको उसके बारे में पता भी है। ये जो कॉलेजन इलास्टिन है ये बेसिकली आपके स्किन के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, और टाइटली होल्ड करने में हेल्प करता है। जिस वक्त आपकी स्किन जो है वो इस तरह से टाइटली होल्ड होगी तो कैसे नीचे को सैग करेगी, कैसे नीचे को गिरेगी? ठीक है, अच्छा, जो टाइटनिंग होती है वो सिर्फ इसलिए नहीं की जाती है कि अच्छा आपको जो है वो स्किन को टाइट करना ही चाहिए या रिक्वायर्ड है या आपकी स्किन पे लिफ्ट ही आपको चाहिए। जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें कॉलेजन इलास्टिन को बनाना शुरू किया जाता है या उनसे बनते हैं वो सब यही कहलाते हैं कि वो टाइटनिंग और उसके साथ साथ लिफ्टिंग भी देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि मेन साइंस क्या क्या होते हैं आपको, जिससे पता चलेगा कि अब आपकी स्किन जो है वो एजिंग की तरफ जा रही है या उसमें टाइटनिंग और लिफ्टिंग या फिर कॉलेजन इलास्टिन कम हो रही है। इसमें जो मेन साइंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो ओपन पोर्स होते हैं। आप इसी तरह से समझें कि जिस वक्त ऐसे करके कोई चीज़ जो है वो टाइट पड़ी हुई है तो आपको ओपन पोर्स कम नज़र आएंगे, जिस वक्त वो लूज़ होगी तो आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। ठीक है, और एज जो होती है या एजड स्किन जो होती है, एज या नंबर्स की बात नहीं हो रही, जो एजड स्किन होती है वो सिर्फ खाली फेस से नहीं, वो नेक से भी पकड़ी जाती है और हाथों से भी पकड़ी जाती है। ठीक है, तो ये भी उसी का पार्ट होता है क्योंकि पूरी स्किन में ही जब कॉलेजन इलास्टिन कम बनेगा तो आपको ओवरऑल आपकी स्किन जो है उसके टेक्स्चर में डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ओपन पोर्स इसका एक बहुत बड़ा साइन होता है, उसके अलावा
एज स्पॉट्स या फिर सन स्पॉट्स भी कहते हैं, लेकिन एज रिलेटेड जो होते हैं और सन रिलेटेड जो होते हैं वो किसी भी एज में हो सकते हैं, इसलिए एज स्पॉट्स जो है वो इनको कहा जाता है। इसके अलावा अनइवन टोन भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो है वो सैगी स्किन यानी कि लटकी हुई या फिर लूज स्किन जो है वो आपको फील हो सकती है, और उसके साथ साथ रिंकल्स यानी कि एक तो फाइन लाइंस होते हैं, फाइन लाइंस जो हैं वो बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी सी लाइंस जो हैं वो आपको पूरी जगह पे कहीं पे भी नज़र आ सकती हैं, इवन नेक पे भी नज़र आती हैं, आपको डिकॉल्टे भी नज़र आ सकती हैं, ठीक है। और जो रिंकल्स होते हैं वो ख़ास जगहों के ऊपर आपको नज़र आते हैं। रिंकल जो होता है वो एट रेस्ट होता है यानी कि विदाउट एनी मूवमेंट भी आपको नज़र आ रहा होगा, और जो फाइन लाइंस होती हैं वो तो हर वक्त ही रह रही होती हैं और वो बस होती हैं, और कुछ फाइन लाइंस जो हैं वो आपको मूवमेंट पे पड़ती हैं, जैसे आप हंस रहे हैं ज़ोर से तो आपकी साइड्स के ऊपर आ जाएंगी, आप गुस्सा कर रहे हैं तो दरमियान में आ जाएंगी, इस तरह से करके। तो इन सब में फ़र्क होता है, लेकिन जो मैंने आपको 5 साइंस बताए हैं एजिंग स्किन के, वो सारे के सारे जो हैं वो सेम ही रहते हैं, किसी में कोई पहले आ जाएगा, किसी में कोई बाद में आ जाएगा, और ऐसा भी होगा कि किसी के अंदर 2-3 जो है वो एट अ टाइम साइंस जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे, और उस आपको अलर्ट होने की ज़रूरत होती है कि अब मुझे लगता है कि मेरी स्किन का टेक्सचर जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। इसमें एक बहुत बड़ा साइन जो है वो ड्राई एंड इची स्किन भी होता है। ड्राई एंड इची स्किन क्यों होती है? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द स्किन जो है वो पुअर होती जाती है, वो कम होती जाती है। जिस वक्त वो कम होती जाती है तो आपकी स्किन जो है वो आपको बहुत डिहाइड्रेटेड, विदर्ड और मुरझाई हुई, और जैसे क्रिंकल शिफॉन का कपड़ा होता है उस तरह से उसके ऊपर फाइन लाइंस जो है वो आपको नज़र आ सकती हैं, ठीक है। तो ये तो बड़े इम्पॉर्टेंट जो हैं वो 5 साइंस थे जो कि आप बड़ी आसानी से नोट कर सकते हैं अपनी स्किन पे। ये भी हो सकता है कि आपके एक्सट्रीम ओपन पोर्स के पहले थे ही नहीं, उसके बाद बनना शुरू हो गए और अब आपको बड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, या नंबर ज़्यादा होता जा रहा है, और ये भी लग सकता है आपको कि एरिया बड़ा होता जा रहा है, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन माई स्किन। अच्छा, स्किन के बारे में ये होता है कि हर चीज़ तो हमें नहीं समझ में आ सकती, मतलब डॉक्टर को तो चलो समझ आ जाती, वो भी आप देख लें, जो जिस चीज़ का डॉक्टर होता है उसको उसके बारे में ज़्यादा पता होता है या वो उसके लिए एक्सपर्ट होता है, तो आम बंदे को ये समझना या ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी स्किन किस टाइप की है और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या चीज़ लगानी चाहिए और क्या नहीं लगानी चाहिए, यानी कि डूज़ एंड डोंट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किन टाइप आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा तो आप बहुत आसानी से अपनी स्किन को मैनेज कर सकेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जो सैगिंग स्किन के लिए या स्किन टाइटनिंग के लिए हम किस किस्म के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत दफ़ा ऐसा हो सकता है या होता है कि आपकी एज नंबर वाइज तो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन एक्सट्रेंसिकली बाहर से आपकी स्किन के ऊपर सनलाइट अब्यूज़ हो सकता है, या ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पहले पोस्ट एक्नी स्कार्स रहे हुए होते हैं और स्कारिंग की वजह से उनकी स्किन में कॉलेजन इलास्टिन कम हो चुका हुआ होता है और बन भी नहीं रहा होता, और उसके साथ साथ स्किन भी थिन हो चुकी हुई होती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो एज रिलेटेड नहीं, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर कोई अब्यूज़ हुआ हुआ है उसकी वजह से वो जल्दी साइंस ऑफ एजिंग शो कर सकती है। तो जिस वक्त स्किन को जिस चीज़ की ज़रूरत हो अगर आप वो चीज़ देंगे तो वो उसके लिए मोस्ट सुटेबल रहेगी, और उससे आपकी स्किन बहुत जल्दी रिवाइव भी कर जाएगी और बहुत जल्दी अच्छी भी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जो इंट्रिंसिक एज है यानी कि जो एक्चुअल आपकी एज है वो उसको, और जो स्किन की एज है जिसको हम एक्सट्रिंसिक एज बोलते हैं जो कि सिर्फ खाली बाहर से आपको नज़र आती है, वो फ़र्क होती है, और इन दोनों को देख के और फिर डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है स्किन पे या किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, जो टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग के लिए चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं, उसमें सबसे पहले तो एक कंसल्टेशन होनी चाहिए या होती है। चलो मैं थोड़ा सा अपना कैमरा सेट करूँ जी। उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है या सबसे पहले जो करते हैं वो डेफिनेटली आपकी एक जो है वो प्रॉपर कंसल्टेशन होती है। जिस वक्त कंसल्टेशन होगी तो उसी में जो डॉक्टर होता है
वो आपकी स्किन को एग्जामिन भी करेगा, उसके ऊपर साइंस ऑफ एजिंग भी देखेगा और उसके साथ उसको आपकी स्किन टाइप समझ में आ रही होगी और उसे ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपकी स्किन में क्या चीज़ चल रही है और उसको करेक्ट कैसे करना है। इसलिए कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी में एग्जामिनेशन और एनालिसिस दोनों हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है कि आपको एप्लीकेशंस दिए जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस मतलब घर में यूज़ करने वाली मेडिसिन या कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है, उसमें आपका सन ब्लॉक भी होता है और उसके अलावा भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी भी ताकि आपको कुछ कुछ अंदाज़ा हो जाए कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो लिफ्टिंग और टाइटनिंग के लिए यूज़ कराई जाती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट में वो तो यही होता है कि आपकी एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए जिसमें एग्जामिनेशन और एनालिसिस हो जाता है और उसके बाद उसके साथ साथ आपको जो है वो प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि सिर्फ खाली आपको प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, आपको डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं और इसके अलावा किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो भी सकती है। अब जो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि ऑफ़र किए जाते हैं वो क्या क्या हैं, इसमें जो है वो डिफरेंट तरह के लेज़र्स आते हैं, जैसे जो फ्रैक्शनल लेज़र होता है वो डेफिनेट। अच्छा चले मैं माइल्ड वाले से स्टार्ट करती हूँ, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है उससे स्टार्ट करते हैं। उससे स्टार्ट करेंगे तो टाइटनिंग पील्स होती हैं, जो टाइटनिंग केमिकल पील्स होती हैं वो ब्लेंड ऑफ डिफरेंट जो है वो एसिड्स या डिफरेंट चीज़ों का ब्लेंड होता है और वो जो है उसके अंदर स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट एक सॉरी इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम DME बोलते हैं, ठीक है। इसको DMEA लिखा जाता है। ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से टाइटनिंग ऑफ द स्किन करता है। जब आपकी स्किन टाइट होगी, अच्छा केमिकल पीलिंग में क्या होता है कि हम पहले स्किन को एक्सफोलिएट कर लेते हैं, क्लिंस करते हैं, एक्सफोलिएट कर लेते हैं। जिस वक्त आप स्किन को एक्सफोलिएट कर लेते हैं तो स्किन अच्छी तरह से रेडी हो जाती है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो है वो केमिकल लगा के और उसका एक खास ड्यूरेशन होता है कि आपने 12 मिनट्स के लिए छोड़ना है या फिर आपने 15 मिनट्स के लिए छोड़ना है, उसको उतनी देर छोड़ के और उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है केमिकल को। और न्यूट्रलाइज करने के बाद मोस्ट लाइकली जो है वो कोई ना कोई क्या कहते हैं मास्क और उसके साथ सिरम इन्फ्यूजन जो है वो दी जाती है या समटाइम्स जो है वो रेड लाइट भी दी जाती है। रेड लाइट क्योंकि हीलिंग को प्रमोट करती है तो बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से जो है वो हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जो केमिकल जो टाइटनिंग पील्स होते हैं यूजुअली उनका कोई एज सच आपको बुरा इफेक्ट स्किन के ऊपर नहीं आता या कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम उसको कराने के बाद नहीं होती। थोड़ी सी जो एहतियात होती है कि जी आप चूल्हे के पास ना जाएं फ़ौरन से कराने के बाद, वैसे तो आप जा ही सकते हैं, चंद घंटों के लिए ना जाएं, अवॉइड करें और सनस्क्रीन लगा के रखें या मॉइस्चराइज़र लगा के रखें या कोई सूदिंग क्रीम दी जाती है वो लगा के रखें। और उसके अलावा जो है वो आपको थोड़ी सी ड्राइनेस फील हो सकती है तो पहले ही आपको सूदिंग क्रीम्स और मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स जो हैं वो दे दी जाती हैं। और डायरेक्टली यूजुअली कोई भी जो है वो नहीं कर रहा होता टाइटनिंग पील और डेफिनेटली जो है वो पहले कोई कंसल्टेशन हुई भी होती है और कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए होते हैं तो उससे ज़्यादा की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं मीज़ोथेरेपी पे। मीज़ोथेरेपी में क्या होता है कि हम इंजेक्शन में जो है वो दवाई को टाइटनिंग की जो मेडिसिन है उसको फिल कर लेते हैं और उसको फिल करने के बाद जो है वो डायरेक्टली इंजेक्ट करते जाते हैं स्किन में। हम किसी मसल में नहीं जा रहे, हम किसी लोअर या डीप स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे, हम सिर्फ आपकी स्किन के सेकेंड लेयर में है, ठीक है, एट दी क्या कहना चाहिए एट दी डीपेस्ट लेयर ऑफ योर सेकेंड लेयर जहाँ पे कॉलेजन इलास्टिन हम चाहते हैं कि बने या प्रमोट हो और सिर्फ वहीं पे हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और बहुत ही प्यारा सा बहुत ही बेसिक सा ट्रीटमेंट है और जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। यूजुअली जो है वो जो भी आप काम कर रहे होते हैं या जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है फॉर टाइटनिंग एंड फर्मिंग एंड लिफ्टिंग यूजुअली उनके सेशंस होते हैं और मोस्ट लाइकली जो है वो 4 to 6 सेशंस जो हैं वो होते हैं, चाहे हम पीलिंग कर लेंगे और चाहे हम मीज़ोथेरेपी कर लेंगे। अच्छा मीज़ोथेरेपी की ब्यूटी ये है कि आप यहाँ तक सॉकेट के बाहर तक जो जगह होती है वहाँ तक जा सकते हैं, पूरे के पूरे फेस पे जा रहे हैं आप, नेक की लाइंस के लिए या नेक की स्किन को टाइट करने के लिए कर सकते हैं। और मज़े की बात हाथों पे भी मीज़ोथेरेपी की जाती है और करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया मीज़ोथेरेपी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि लेज़र्स आ जाते हैं। लेज़र्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, इसमें जो लॉन्ग पल्स NDAG लेज़र्स होते हैं उनके थ्रू भी टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग फेशियल्स किए जाते हैं। जैसे किसी को बहुत माइल्ड सा जो है वो अभी कॉलेजन इलास्टिन जो है उनकी स्किन में कम होना शुरू हुआ है और थोड़े कुछ ओपन पोर्स हैं और उसके साथ साथ उनको लगता है कि स्किन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लूज़ हो गया है,
तो उसमें ये होता है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ऊपर से कुछ भी नहीं होता, लेज़र रेज जो है वो डायरेक्टली स्किन के अंदर चली जाती हैं, और अंदर जाने के बाद क्या करती हैं, अंदर जाने के बाद जो है ये माइक्रो इंजरीज, बहुत माइन्यूट और माइक्रो, नैनो कह लें या माइक्रो कह लें, इंजरीज देती हैं, और आपका ब्रेन जो है वो कहता है, आपकी स्किन को ऑर्डर देता है कि भाई यहाँ पे तुम कॉलेजन इलास्टिन या कंस्ट्रक्शन या रिजुविनेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। उससे क्या होता है कि जब आप कराते हैं तो आपकी स्किन का टेक्सचर भी बहुत बेहतर होता है, जिसमें आपके ओपन पोर्स भी कवर होते हैं, और उसके बाद इसके अलावा आपकी लैक्स या लूज स्किन जो है वो भी आपको बेहतर लगना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कौन से लेज़र्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, माइक्रो नीडलिंग के लिए लेज़र्स यूज़ होते हैं, प्लस RF टाइटनिंग जो है वो की जाती है, ये सारे के सारे, और इसके अलावा फ्रैक्शनल लेज़र को यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे जो प्रोसीजर्स हैं, इनका जो तरीका होता है या जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो यही है कि माइक्रो इंजरीज दे के आपकी अपनी स्किन की जो कैपेबिलिटी है उसको यूज़ किया जाता है, उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, और आपकी स्किन दोबारा से कॉलेजन इलास्टिक बनाना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो है वो हाइफू का नाम आपने सुना होगा। हाइफू जो है उसके अंदर वो लेज़र नहीं होती है, बट हाइफू जो है वो बेसिकली इंटेंस क्या कहते हैं, इंटेंस जो है, इंटेंस और फोकस्ड अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, इंटेंस भी होती हैं और फोकस्ड भी होती हैं। ठीक है, और अपने टारगेट में जाके जो है वो वहाँ पे क्या करती हैं, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर में कॉलेजन इलास्टिन जो है उसको बूस्ट करती हैं, और फिर कॉलेजन इलास्टिन जब बनना शुरू होता है तो आप देखेंगे कि स्किन आपको टाइट भी फील होगी, फर्मर भी फील होगी और लिफ्टेड भी फील होगी। जो हाइफू है वो भी आप फुल फेस पे कर सकते हैं, आप नेक पे कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जो आप लेज़र्स यूज़ करते हैं तो वो लेज़र्स भी डिफरेंट तरह के लेज़र्स होते हैं, कुछ लेज़र्स को हम हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ को नहीं भी यूज़ किया जाता, ठीक है, क्योंकि वो कुछ पेनफुल हो जाते हैं या उनका जो डाउन टाइम होता है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो है, हाँ, हाइफू में ये होता है कि हाइफू में आपने कोई सेशंस नहीं लेने होते कि आपने कॉन्टिन्यूस कोई सेशंस लेने हैं। हाइफू में यूजुअली जो है वो एक ही सेशन किया जाता है और वो 1 ईयर तक चल जाता है, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे तरीके से जो भी आपको हमने मेंटेनेंस के लिए चीज़ें दी हैं उनको भी यूज़ करें, क्योंकि मेंटेनेंस तो घर में ही होती है ना, वो हमने तो नहीं करनी होती, वो आप लोगों ने घर पे करनी होती है। और हाइफू जो है अगर हमें उसे रिपीट भी करना हो तो 6 मंथ से पहले नहीं किया जाता। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो है वो ऐसे फिलर्स भी होते हैं जो कि हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड होते हैं और वो प्रमोट करते हैं कॉलेजन इलास्टिन को बनाना जो है उसको प्रमोट करते हैं, यानी कि वो खुद से फिलिंग इफेक्ट नहीं देते, जैसे लाइन में फिल करना है वो उस तरह से फिलिंग नहीं करते, और उसको आप हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप पूरे फेस पे, पूरी नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बेहतर होती है और कॉलेजन इलास्टिन जो है वो भी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके साथ इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा थ्रेड्स होते हैं। अच्छा, थ्रेड्स का नाम से ऐसे लगता है और कुछ उसके बारे में कुछ गलत क्या कहते हैं एप्रीहेंशंस भी हैं, और ये कि अच्छा अंदर जो है वो धागे डाल देंगे, उसमें कोई टांका भी लगेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, वो नज़र आएगा, उसे खोलते भी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप यही समझ लें कि जो नीडल है, नीडल को इंजेक्ट करते हैं और नीडल को निकाल लेते हैं, दैट्स इट, इतना छोटा सा प्रोसीजर होता है। और उसमें ये होता है कि ये थ्रेड्स जो हैं ये खुद से ख़त्म हो जाते हैं, बट ख़त्म होने के साथ साथ जो है ये जहाँ जहाँ आप डालते हैं वहाँ वहाँ कॉलेजन इलास्टिन बनाना शुरू कर देते हैं। जब कॉलेजन इलास्टिन बनती है तो आपको टाइट भी लगेगी स्किन, पहले से फर्मर भी लगेगी और पहले से लिफ्टेड भी लगेगी। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रोसीजर्स जो कि मैंने आपको बताना था कि ये इस किस्म के प्रोसीजर्स जो हैं वो हम टाइटनिंग, लिफ्टिंग एंड फॉर्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ और फिर जो है वो मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बताऊँगी कि आप घर में इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, या पहले होम रेमेडीज़ कर लेते हैं। जो होम रेमेडीज़ हैं उसमें जो बहुत अच्छा तरीका जो आप घर में कर सकते हैं, दैट इज़ फेशियल मसाज। मैंने आपको पहले भी मसाजर दिखाया हुआ है। फेशियल मसाज जो होती है वो आपके मसल्स को टोन अप करके रखती है। जब मसल्स टोन अप रहते हैं तो उसके ऊपर स्किन जो है वो बेहतर हालत में रहती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर और अच्छा करती है मसाज जो होती है। तो इसलिए मसाज करना जो है वो बहुत अच्छा है, हाथों से मसाज करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप मसाजर जो होता है, जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है जिसमें सेल जलते हैं, उसको यूज़ करें। उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ वो इसलिए अच्छा रहता है कि उसका प्रेशर जो है वो बहुत ही साउंड होता है और एक ही तरह का होता है। ऐसा नहीं होगा कि प्रेशर ज़्यादा दे दिया तो कोई ख़राबी हो जाए या प्रेशर कम था तो आपको रिजल्ट ना मिले। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कॉफ़ी
घर में होती है कॉफ़ी, कॉफ़ी का पाउडर और उसके साथ उसमें कोकोनट ऑयल डालना, ठीक है। कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल का एक थिक सा मिक्सचर बना के उसको जो है वो अपनी स्किन के ऊपर लगा के छोड़ दें। जब आप उसे 10 मिनट्स 12 मिनट्स छोड़ेंगे तो उसके बाद आपने उसको जिस तरह स्क्रब करते हैं उस तरह से स्क्रब करना है और फिर इसको उतार देना है। ये आपकी स्किन से डेड स्किन जो है, डेड सेल्स जो हैं उसको भी हटाएगा ये मिक्सचर, और उसके साथ ये टाइटनिंग एंड फर्मिंग में भी हेल्प करता है। लेकिन डेफिनेटली प्रोसीजर्स का जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है, उसका स्पेक्ट्रम और होता है, मेडिसिन का और होगा और घर में यूज करने वाली चीज़ का और होता है, ठीक है। इसके अलावा एग वाइट आपने सुना होगा, इट्स बेटर कि आप एग वाइट को खाली यूज़ करने की बजाय एग वाइट के अंदर थोड़ा सा हनी डाल लें। अच्छा, जब एग वाइट आप लगाते हैं तो वो आपकी स्किन को जिस तरह आप कोई मास्क लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये आपकी स्किन को टाइट कर देता है उस वक्त के लिए। अच्छा, जब आप इसको उतार देंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली आप घर में लगा रहे हैं, घर में लगाने वाली चीज़ों की एब्जॉर्प्शन ऐसे नहीं हो सकती है जैसे डीपर लेयर्स में, तो उससे क्या होता है कि उससे आपको थोड़ा सा टाइम फॉर द टाइम बीइंग आपको थोड़ा सा जो है वो लिफ्टिंग और थोड़ा सा टाइटनिंग इफेक्ट जो है वो मिल जाता है, लेकिन इससे स्किन थोड़ी ड्राई भी होती है, बाद में आप मॉइस्चराइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, क्यूकम्बर का जूस और उसके अलावा जो रोजमेरी ऑयल है ये भी अच्छा रहता है। क्यूकम्बर का जूस और रोजमेरी ऑयल जो होता है इसको लगा के अगर आप मसाज करेंगे तो वो भी आपको टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग में हेल्प करता है, ठीक है जी। ये थी कुछ होम रेमिडीज़। अब हम आ जाते हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट्स देखते हैं कि वो टाइटनिंग या लिफ्टिंग के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये लिफ्टिंग सीरम दिखा रही हूँ। ये लिफ्टिंग सीरम जो है ये लिफ्ट करने के लिए होता है। अगर तो आप अफोर्ड करते हैं या आप चाहते हैं तो आप इसको पूरे फेस और नेक पे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ पे लिफ्ट चाहते हैं, ये देखें ये अपर एरिया आपकी आएगा और यहाँ तक, और उसके अलावा जो आपकी जॉ लाइन है उसके ऊपर आप इसको लगा सकते हैं, जाके जिन एरियाज पे आपको लिफ्टिंग चाहिए आप उसके ऊपर इसको लगाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली क्रीम। ये देखें इसके ऊपर लिखा भी हुआ है लिफ्टिंग एंड एंटी एजिंग। एंटी एजिंग सेपरेट होती है, लिफ्टिंग सेपरेट चीज़ होती है, और कुछ चीज़ों में ये दोनों के इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं। ये बहुत अच्छी क्रीम है, इसको भी आप चाहें तो पूरे फेस और नेक पे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको उन एरियाज़ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे जो है वो आपको लिफ्टिंग चाहिए, जैसे आई के ऊपर वाला एरिया हो गया और उसके अलावा आपकी जॉ लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो है ये प्योरली जो है वो लिफ्टिंग एंड एंटी एजिंग दोनों चीज़ें, एंटी ऑक्सीडेंट भी है इसके अंदर जो कि बहुत अच्छा रहता है, और लिफ्टिंग एंड फॉर्मिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ये भी पूरे फेस पे भी यूज़ हो सकती है, जो एरियाज मैंने आपको बताए हैं वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है मैं आपको ये वाली क्रीम दिखा रही हूँ। इसमें हाइड्रेशन या मॉइस्चराइजेशन भी होती है यह है, और उसके अलावा बहुत अच्छी लिफ्टिंग भी है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी क्रीम है, पूरे फेस पे लगाना चाहें, पूरी नेक पे लगाना चाहें तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी इसको जो है वो आप सिर्फ खाली जहाँ पे लिफ्ट चाहिए वहाँ पे यूज़ करें तो वहाँ पे भी यूज़ हो सकती है। अच्छा, उसी तरह से जो है वो मैं आपको एक ये वाली क्रीम दिखा रही हूँ। ये रीजुविनेशन भी करती है, और इसमें ग्लेयर आ रहा है, प्लास्टिक है वो मैं हटाना चाह रही हूँ यहाँ से, ठीक है। ये जो है ये लिफ्टिंग भी करती है और उसके अलावा रीजुविनेशन में भी हेल्प करती है, और बहुत ही अमेजिंग क्रीम है, ठीक है। इसकी दो चीज़ें हैं, एक जो है वो नाइट के लिए यूज़ होती है और एक डे के लिए, एक नाइट में यूज़ करने के लिए और एक डे में यूज़ करने के लिए, तो मैं आपको दोनों दिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ये वाली क्रीम। ये वही वाली क्रीम है जो मैंने आपको खुली भी दिखाई हुई, ओपन जो मैंने लगाई हुई है, लव ऑफ माई लाइफ। दिस क्रीम इज़ एक्चुअली लव ऑफ माई लाइफ, और जो इसको लगाता है तो बस उसका मज़ा आ जाता है, और फिर वो कहता है कि मैंने तो ये लगानी है। इसको भी आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ खाली जहाँ पे आपकी लाइंस हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, मैं क्योंकि आई एम इन लव विद इट तो मैं तो पूरे फेस पे ही लगाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये सीरम दिखा रही हूँ। बहुत लाइट वेट सीरम है और इसके अंदर टाइटनिंग एंड लिफ्टिंग और एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट है, तो यूजुअली जो है ये सुबह के वक्त लगाने में बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज कोई ऑयलीनेस नहीं होती है और आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिपेयर और इसके अंदर सेरामाइड्स है,
सेरामाइड्स जो हैं वो चीज़ होती है जो कि हमारे सेल्स को ग्लू की तरह होल्ड करके रखता है, ठीक है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बेहतर करता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, आइज़ के अराउंड भी लगा सकते हैं, पूरे फेस और नेक पे भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये प्योर कॉलेजन है, ये आप आइज़ के अराउंड भी यूज़ कर सकते हैं, फुल फेस पे भी, नेक पे भी, क्योंकि कॉलेजन है और प्योर कॉलेजन है और अच्छी अमाउंट में, अच्छी परसेंटेज है इसके अंदर, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ एक्टिव रेटिनॉल सीरम, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा रहता है और ये आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में हेल्प करता है। जिस वक्त आपकी स्किन रिजुविनेशन में जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बेटर अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं कॉलेजन इलास्टिन भी बनेगा और फर्मनेस भी पहले से बेहतर होगी, ठीक है, और स्ट्रक्चर और जो उसका क्या कहते हैं टेक्सचर है वो भी बहुत बेहतर होगा। अच्छा जी, अब मैं आपको जो दिखाने लगी हूँ उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो हैं वो क्या कहना चाहिए इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर सेरामाइड्स भी हैं, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है और इसके अंदर जो है वो हेक्सापेप्टाइड्स भी हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है फॉर लिफ्टिंग एंड फर्मिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, ये भी कोई भी लगा सकता है और सुबह भी लग सकती है और रात में भी लग सकती है। अब मैं आपको एक ड्रिंक दिखाने लगी हूँ, ये ड्रिंक जो है देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉलेजन, इसके अंदर कॉलेजन है और ये आप पी सकते हैं, यू कैन ड्रिंक दिस और ये टोटली हलाल है, और जब आप इसको पियेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी की बॉडी की स्किन जो है वो उसका टेक्सचर बहुत बेहतर हो जाएगा। और ऑब्वियसली आप इसको पी सकते हैं लाइक 2-3 मंथ्स इकट्ठा कॉन्टिन्यूस पी लें और उसके बाद आप इसको मेंटेनेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं विद गैप्स, ठीक है। और अब मैं आपको एक मज़ेदार सा जो है वो लिफ्टिंग एंड एंटी एजिंग जो है वो मास्क दिखा रही हूँ। इस मास्क के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं टाइटनिंग या लिफ्टिंग के लिए, तो या फॉर्मिंग के लिए, फॉर्मनेस के लिए तो ये यूज़ ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपके क्या कहते हैं एज स्पॉट्स हैं ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। तो ये बहुत अमेजिंग है, आप पहले अगर अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर लें और फिर इसको यूज़ करें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी दिखा दिए, अहमद मुझे वो दे दें क्वेश्चंस के लिए, ये मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखा दिए हैं, मैंने होम रेमेडीज भी बताई हैं और उसके अलावा मैंने आपको साइंस जो हैं वो बताए हैं जिससे आप नोट कर सकते हैं कि आपकी स्किन जो है उसके टेक्सचर में या उसकी जो क्वालिटी है उसमें क्या डिफरेंस आता जा रहा है और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है जी। अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, जो आपका वो है ना जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से किया था वो मैंने उसके लिए 15 डेज का टाइम रखा है, तो इसलिए विनर अभी अनाउंस नहीं करेंगे, बैलेटिंग अभी नहीं होगी, ये जो नेक्स्ट वीक गुजर जाएगा उसके बाद बैलेटिंग करके और फिर मैं विनर को अनाउंस करूँगी, ठीक है। चलें जी, एजुकेशन ऑफ कुरान कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगी, अपना भी ख्याल रख रही होंगी, सेफ भी रख रही होंगी, अपने आप को प्रोटेक्शन भी रख रही होंगी, अपने अलावा दूसरों के लिए भी यही आपके ख्यालात होंगे कि आपने प्रोटेक्शन रखनी है, सेफ्टी देखनी है, और उसके साथ साथ फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जिस जिसकी टर्न आती जाए वो अपनी टर्न पे ज़रूर वैक्सीनेशन करवाए, ठीक है। आलिया कमल कह रही है अगर फेस पे आई स्पिक एंड रोलिंग स्कार्स हों तो डर्मा पेन के थ्रू माइक्रो नीडलिंग इफेक्टिव होगी, स्कार्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, दरमियाने से हैं। अच्छा देखें, एक तरफ आप कह रही हैं कि रोल्ड अप स्कार्स हैं, ठीक है, और एक तरफ आप मुझे कह रही हैं कि दरमियाने से हैं, कि जिस टाइप का स्कार आपने मुझे बताया है कि रोल्ड अप स्कार्स हैं, रोल्ड अप स्कार्स का मतलब होता है कि बहुत ही डिफाइंड इसके मार्जिन्स होंगे और बिल्कुल हैप्हैज़र्ड होंगे, ये कोई आइस पिक स्कार्स तो ना हुए ना, तो जो इस तरह के स्कार्स होते हैं वो उनको ट्रीट करना जो है वो मुश्किल होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई सुपरफिशियल या मीडियम स्ट्रेंथ का क्या कहते हैं प्रोसीजर करने की बजाय बहुत अच्छा रहता है कि आप लेज़र्स करें। लेज़र जो होती है उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा डेप्थ में जाके काम करती है, कम सेशंस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आलिया कमल कह रही है मैम प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर करें, मुझे एक डॉक्टर ने रेकमेंड किया माइक्रो नीडलिंग फॉर स्कार्स, ही इज़ डूइंग विद डर्मा पेन, आई एम अफ्रेड वेदर इट वर्क्स और नॉट। देखिए डर्मा पेन्स बहुत अच्छे होते हैं और उनको हम स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में और डिफरेंट जो है वो इश्यूज़ के लिए। मैंने आपको यही समझाया कि जो स्कार्स होते हैं उनकी डेप्थ और उनकी टाइप पे डिपेंड करता है कि हमें उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा क्या कहते हैं इक्विपमेंट चाहिए या कौन सा हमें प्रोसीजर करना है जो कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे, ठीक है, और ढेर सारे जो हैं वो आपको ना कराने पड़े सेशंस। अब मैंने क्योंकि देखा नहीं है तो मैं आपको ये बता नहीं सकती, बहरहाल माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छा एक प्रोसीजर है,
अब आपके स्कार्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है ये देखे बगैर बताना जो है वो मुश्किल है। काम तो करता है, काम तो करेगा, आप जो सोच रहे हो ना या एप्रीहेंसिव हो रहे हो कि काम करता है, यानी काम तो करेगा, लेकिन क्या आपके स्कार्स में ये बहुत अच्छा या सबसे अच्छा काम करेगा, या आपके स्कार्स में कुछ और करने की ज़रूरत है, कोई और प्रोसीजर, ये मैं आपको देखे बगैर बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। कॉट्स ऑफ मॉन्टल कह रहे हैं हेलो मैम, हाय। आलिया कमल कह रही है मैम आई यूज्ड प्रायोरिन टैबलेट्स एंड मिनोक्सिडिल स्प्रे फॉर लास्ट 4 months बट कुडंट फाइंड एनी रिमार्केबल रिजल्ट्स, हेयर फॉल हैज स्टॉप्ड बट वॉल्यूम डिडंट इंक्रीज। जी, जो वॉल्यूम है उसके वापस आने में टाइम लगता है, और ऐसा भी हो सकता है कि हेयर फॉल क्योंकि बंद हो गया है, तो हेयर फॉल के लिए तो ये दो चीज़ें अप्रोप्रिएट थी, काफ़ी थी, लेकिन हेयर रीग्रोथ के लिए काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आपको 4 months हो गए हैं यूज़ करते हुए चीज़ें, और अब आपको वॉल्यूम जो है वो रीगेन करना है, ठीक है। आप यही चाह रही हैं ना कि जो गिरे हुए बाल हैं या जो बालों का वॉल्यूम कम हो गया है या जो बाल गिर गए हैं वो वापस आ जाएं, गिरना टूटना तो बंद हो गया लेकिन वापस आ जाएं, वॉल्यूम आपको मिल जाए। इसके लिए किसी प्रोसीजर की भी ज़रूरत हो सकती है, इसके लिए किसी और दवाई की भी ज़रूरत हो सकती है। आप अपने नियरेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहती हैं उधर चले जाएँ, मेरे पास आना चाहती हैं मेरे पास आ सकती हैं, लेकिन आई थिंक सो या मेरा सजेशन यही होगा कि अब आपने इनको यूज़ कर लिया है फॉर 4 months और आपका जो काम होना था वो हो गया है, जो नहीं हुआ अभी तक वो अब होगा नहीं इस तरह से, तो आप दिखा लेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो देंगे तो आप रीगेन भी करना शुरू कर देंगे। एजुकेशन ऑफ कुरान कह रही है मैम मुंह आपसे पूछा था काफ़ी दफ़ा कि मुझे ड्राई कॉफ होती है, और आपको बताया भी था कि काफ़ी इलाज कराया है और काफ़ी टेस्ट कराए हैं, सब क्लियर हैं, और आपने मुझे डॉक्टर नुमान न्यास का नंबर दिया है, किसी कैसे डॉक्टर हैं वो, और मैं उनसे ऑनलाइन चेकअप करा सकती हूँ। आप बिल्कुल ऑनलाइन चेकअप करवा सकती हैं, और मैंने अगर आपको किसी डॉक्टर को रेकमेंड किया तो मुझे पता होगा ना कि वो आपको अच्छी तरह से देख सकता है, या वो आपकी जो इशू है उसको सॉल्व करने में, उसको डायग्नोज करने में, उसको ट्रीट करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा, तभी मैंने आपको कहा है। आप बिल्कुल उनसे जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको कहते हैं कि नहीं आपको दिखाना पड़ेगा तो फिर आप दिखाइए, क्योंकि समटाइम्स आपने एग्जामिन करना होता है स्ट्रक्चर को, या पैल्पेट करना होता है, या कुछ भी ऐसा होता है जिसके लिए आपका होना या प्रेजेंट होना या फिजिकली दिखाना ज़रूरी है, तो आप दिखा लीजिएगा अगर आपको कहा जाता है, अदरवाइज आप बिल्कुल ले सकती हैं जो है ऑनलाइन कंसल्टेशन। एजुकेशन ऑफ कुरान कह रही हैं चेक कराऊं तो आराम आ जाएगा मुझे क्या, और दो माह हो गए हैं उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। अच्छा, अपॉइंटमेंट के लिए मैं चेक कर लूँगी। देखिए मेरी बात सुने, आपका प्रॉब्लम या आपका इशू बहुत अरसे का है और डायग्नोस नहीं हो पा रहा। हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि डायग्नोसिस हो तो हम उसे ट्रीट करें ना, ठीक है। बी होपफुल, आपको होपलेस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कुड अंडरस्टैंड कि आपको इतने अरसे से इशू चल रहा है और आप यही सोच रही होंगी कि भाई 6-8 में डायग्नोस नहीं किया पिछले 4 साल में तो अब कैसे होगा। अल्लाह की मर्ज़ी, क्योंकि जहाँ से आपको शिफा मिलनी है वहीं से मिलेगी, और शिफा या दवा के लिए जो है वो एफर्ट करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। यही हमें कहा गया है कि मैंने बीमारी दी है, अल्लाह कहता है कि उसने बीमारी दी है तो उसने उसकी शिफा भी रखी है, उसका इलाज भी रखा है, उसे ढूंढो। तो आप भी यही समझें कि आप उसी की तलाश में आपको दो और डॉक्टर्स को भी दिखाना पड़ता है, तो आप दिखाएं और होपफुल रहें कि इंशाल्लाह आपका डायग्नोसिस भी हो जाएगा। जब डायग्नोसिस हो गया तो फिर तो हम ट्रीट कर लेंगे ना आसानी से, फिर तो हमें समझ आ जाएगा कि हमने ट्रीट किस चीज़ को करना है। एजुकेशन ऑफ कुरान कह रही है नहीं हो गया आपका। आलिया कमल कह रही है मैम चिन के नीचे अगर छोटा सा फैट पाउच हो तो उसे ख़त्म करने के लिए कौन सा प्रोसीजर ज़्यादा इफेक्टिव होगा एट दी एज ऑफ 33, हाइफू कराया जाए तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं? नहीं, आलिया आपने क्वेश्चन जो पूछा है उसमें मुझे यही समझ आ रही है कि पूरी की पूरी चिन जो है उस पर सैग नहीं है, पूरी की पूरी चिन के ऊपर जो है वो फैट नहीं है, एक छोटा सा पाउच है जिसमें फैट है, लेकिन जब तक देखे नहीं हम आपको ये नहीं बता सकते कि इसमें फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें हाइफू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, या इसमें थ्रेड्स डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जब तक देखे नहीं तो आपको कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन मैंने 3 डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स का 3 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का नाम लिया है,
तो आपको समझ आना चाहिए कि इसी में से कोई चीज़ जो है वो आपके आपके लिए बेहतर होगी, लेकिन देखे बगैर मैं कन्फर्म नहीं बता सकती हूँ। आलिया कमल कह रही है, मैम इज देयर एनी एक्नी क्योर पील दैट कैन रिमूव एक्नी? सम क्लिनिक्स आर ऑफरिंग दिस एंड वी गो फॉर इट, विल इट बी बेनिफिशियल? जी, एक्नी के लिए पील्स किए जाते हैं। सबसे अच्छा जो पील होता है वो सैलिसिलिक एसिड का पील रहता है एक्नी के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक्नी के जो फेस वॉशेज होते हैं उसमें से भी बहुत सारे फेस वॉशेज ऐसे होते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड उनका मेन इंग्रेडिएंट होता है। सैलिसिलिक एसिड या केमिकल पील एक्नी के लिए बहुत अच्छी रहती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो कौन से वाला करने लगे हैं, लेकिन एक्नी के लिए जो है वो पील्स किए जाते हैं और वो इफ़ेक्टिव भी होते हैं। एजुकेशन ऑफ कुरान कह रही है, और मैम मुझे ये बताएं कि अगर सैलून से रिबॉन्डिंग करवाएं तो एक साल के बाद हेयर दोबारा ख़राब हो जाएंगे, तो अगर आपके हेयर प्रोडक्ट यूज़ करें कैरेटिन वाले तो हेयर प्यारे हो जाएंगे क्या, प्लीज़ बता दें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इतनी दफ़ा मैंने बोला है कि डोंट गो फॉर रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग का मतलब है कि आपके अपने बाल के बॉन्ड को तोड़ा जाएगा और फिर उसको डिफरेंट डायरेक्शन से या डिफरेंट तरीके से जोड़ा जाएगा। आप मुझे बता दें, ग्लू से जोड़ी हुई चीज़ जो होती है वो कितनी मजबूत और अच्छी होती है, तो कहीं से अच्छी नहीं होती है ना। तो रिबॉन्डिंग इज़ ए टोटल नो, तो क्वेश्चन ही आपका ख़त्म हो गया। रिबॉन्डिंग इज ए टोटल नो, रिबॉन्डिंग नहीं करवाते, बिकॉज रिबॉन्डिंग से सारे बाल तबाह होते हैं। आप तो एक साल पर जा रही है ना, आपको तो ये करानी ही नहीं चाहिए। Rebonding is a total no, absolute no. You must not go for rebonding. क्योंकि अगर आपने rebonding कराई तो आपके अपने बाल का bond टूट जाएगा या तोड़ा जाएगा, बस उसके बाद तो बाल ने खराबी होना है, कभी अच्छा नहीं होना, ठीक है। इसकी बजाय जो keratin infusions होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। Keratin infusions जो हैं उससे keratin डाला जाता है आपके बालों में और उससे बाल खराब होने की बजाय हेल्दी होता है, टेम होता है, शाइनी होता है, पहले से थिक होता है, ख़राब नहीं होता, ठीक है। मून स्काई कह रहे हैं, सिल्की स्मूथ हैंड्स के लिए कोई रेमेडीज़ बता दें। अच्छा, ये जो मैं आपको बताती हूँ पहले भी मैंने वैसे बताई हुई है, लेकिन रेमेडी अगर आप पूछ रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है कि आप क्या कहते हैं लेमन ले लें, लेमन के 2 पीसेस कर लें। जब आप उसका हाफ़ कर लेंगे तो सारा लेमन जूस निकाल दें, उसके अंदर लेमन बचना नहीं चाहिए, लेकिन जो उसका सैक होगा या उसके सैक्स हैं वो उसके अंदर ही रह जाएंगे, छोटा सा टब सा बन जाएगा। उसके अंदर जो है वो आपने मोटे दानों वाली शुगर डालनी है, ठीक है, चीनी जो है उसको डाल के फिर आपने उससे रब करना है। जब आप उससे रब करेंगे तो एक्सफोलिएशन जो है वो ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। एक्सफोलिएट हो जाएगा तो जो डेड स्किन है वो उतर जाएगी। फिर उसके बाद आप मॉइस्चराइज कर लेंगे तो आपके हाथ जो हैं वो आपको बहुत सॉफ्ट और सिल्की और स्मूथ मिलेंगे। एक दफ़ा तो नहीं करनी होती एक्सफोलिएशन, क्योंकि डेड स्किन तो आती ही रहती है स्किन के ऊपर, तो उसका यही तरीका होता है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा कर लें। हफ्ते में नहीं कर सकते, 10 दिन में कर लें, 10 दिन में नहीं कर सकते तो 15 में तो ज़रूर कर लें, ठीक है। आलिया कमल कह रही हैं, मैम आई एम सफरिंग फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट एक्नी। आई विजिटेड यू एंड यू सजेस्टेड ऑक्सीजन पील बट आई फाउंड नो रिजल्ट्स ऑफ इट इवन आफ्टर 2 मंथ्स, व्हाट वुड यू सजेस्ट? आलिया, मैंने उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने ये 2 कराने हैं और उसके साथ मैंने आपको कुछ खाने को, कुछ लगाने को दिया होगा। ऊपर ये भी लिखा होगा कि आपने 6 वीक्स के बाद मेरे पास आना है, या ये मेडिसिन खानी है और फिर 6 वीक्स के बाद टेस्ट करवा के मेरे पास आना है, या ये लिखा होगा कि ये चीज़ें यूज़ करें और 2 मंथ्स के बाद मेरे पास आएँ, ताकि मुझे ये पता चले कि फ़र्दर आपकी स्किन को या आपकी एक्नी के लिए आपको कुछ खिलाने की ज़रूरत है या कुछ और लगाने के लिए ऐड करने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है वो बेसिकली आपके इसको, आपका जो पोर के नीचे ओपनिंग के नीचे जो सैक होता है उसको साफ करने के लिए होती है। दैट इज़ नॉट ए मेडिसन, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे हम कहें कि जी अच्छा उसके बाद दाने क्यों बने या दाने बनने बंद क्यों नहीं हो गए। उसके लिए तो डेफिनेटली मैंने आपको लगाने के लिए और खाने के लिए दिया होगा, ठीक है। आपको अगर किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो मैं बार बार बोलती हूँ कि दिस इज़ नॉट द राइट फोरम जिस पे आप अपनी प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं वो मेरे से पूछें। आपके पास आपकी प्रिस्क्रिप्शन पड़ी है, आप उसकी पिक्चर लें, आप उसको जो है व्हाट्सएप करें, साथ में एक वॉइस मैसेज भेजें कि देखें ये चीज़ें आपने मुझे दी थी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है और अब क्या करना है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता दें। आप तो अपनी पिक्चर्स भी भेज सकते हो, बट दिस इज़ नॉट द राइट फोरम जिसके ऊपर आप अपनी प्रिस्क्रिप्शंस मेरे से या फॉलो अप मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि मुझे तो याद ही नहीं है ना, मैं कैसे आपको बता सकती हूँ। मून स्काई कह रहे हैं, डैंड्रफ शैम्पू में कौन से इंग्रेडिएंट्स
होने चाहिए या हो लिखा हुआ, ये आई थिंक आप यही पूछ रहे हैं कि कौन से इन्ग्रीडियंट्स होने चाहिए। डिफरेंट तरह के होते हैं, सिलीनियम सल्फाइड भी हो सकता है, उसमें टार भी हो सकता है, उसके अलावा उसके अंदर जो है वो सैलिसिलिक एसिड भी हो सकता है। डिफरेंट तरह के इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, मून स्काई कह रहे हैं एल्बो में पस पड़ गई है, कोई क्रीम बता दें। देखिए जी, ये नहीं चलता। पस पड़ने का मतलब है कि देर इज़ इन्फेक्शन, देर इज़ ऑन गोइंग इन्फेक्शन, प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं। घर मत बैठें ये सोच के कि एक दिन ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, शायद वो बहुत बुरा हो जाए। प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर, आप किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट या किसी सर्जन के पास चले जाएं, उनको दिखाएं, वो आपको मेडिसिन खिला के इन्फेक्शन ख़त्म करना होगा तो वो दे देंगे। दिस इज़ नॉट द राइट फोरम जिसके ऊपर आप या घर में बैठ जाएं कि आपको इन्फेक्शन चल रहा है और पस पड़ी हुई है और आप घर में बैठ के वेट कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर को दिखाएं। एजुकेशन ऑफ कुरान कह रहे हैं मैम मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मुझे सेहत दे और कॉफ का आराम दे, बीमार हूँ मैं इंशाल्लाह। लेकिन मैंने आपको अभी समझाया था कि हमें अल्लाह ने जो बताया है, जो कुरान में भी है, वो यही है कि मैंने बीमारी दी है तो मैंने उसकी शिफा और उसका इलाज भी दिया है, उसे ढूंढो। अब वो घर बैठ के तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। और जो एफ़र्ट है वो ऐसी की जाएगी कि अगर आपको चार डॉक्टर्स को दिखाया है और डायग्नोसिस नहीं हो सका तो प्लीज़ पांचवें और छठे को भी दिखा लें। ठीक है, जहाँ से आपको शिफा मिलनी होगी, जहाँ से अल्लाह ने आपको शिफा देनी है, वो वहीं से होगी। अगर आपको उसके लिए और दिखाना पड़ता है तो दिखाएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, मून स्काई कह रही है प्लीज़ डू वीडियो ऑन हेयर डाई एंड नेल्स प्रॉब्लम्स। जी, मेरा ख्याल है मैं अगला वीडियो जो करूँगी वो हेयर के प्रॉब्लम्स पे ही होगा, और हेयर डाई के ऊपर बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम फैशन डाइज भी कर रहे होते हैं, हम ग्रेइंग की वजह से या ग्रे हेयर को छुपाने या कवर करने के लिए भी डाइज कर रहे होते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा डाइज का यूज़ हो रहा होता है और किसी भी एज ग्रुप में किया जा रहा होता है। उससे कौन कौन सी एलर्जीज़ होती हैं, उससे बाल कैसे ख़राब हो सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी करूँगी। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। शाहिना रियाज कह रही है कैन वी यूज़ ड्यू मॉइस्चराइजर ऑन फेस टू वे वी हैव टू सेंड आवर आंसर्स टू दी क्वेश्चन विच यू हैव आस्क्ड इन द लास्ट वीक। आपने यहीं पर देने हैं, आप यहीं पर देंगे, आप YouTube पे ही आप रिप्लाई दे सकते हैं और Facebook पे भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपने कहा कि ड्यू मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं फेस पे, जी आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, आप कर सकते हैं। आलिया कंवल कह रही है यू आर लुकिंग स्टनिंग मैम एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो आप सारे के सारे स्टनर्स लगते हैं जी। एजुकेशन ऑफ कुरान कह रही है गार्नियर के प्रोडक्ट बहुत इन हैं, कैसे हैं उसके प्रोडक्ट, अच्छे हैं क्या, ऑनेस्ट बताएं। देखिए प्रोडक्ट कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जो शेल्फ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है ओवर दी काउंटर, उसका स्पेक्ट्रम यानी कि उसका जो वर्क है या उसका जो रिज़ल्ट है वो और होगा। जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे प्रोडक्ट होता है उसका रिज़ल्ट और होगा। और इसी तरह से आपके माइंड में होना चाहिए कि प्रोडक्ट तो कोई बुरा नहीं होता, बट क्या वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया के लोगों के लिए सूटेबल होगा। वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है या आपकी बालों के लिए सूटेबल है तो आपको तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन जिसके बालों या स्किन के लिए सूटेबल नहीं है उसको तो अच्छा नहीं लग सकता। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक प्रोडक्ट जो है वो आपने 5000 को दिया तो 5000 के लिए सूटेबल था। तो जो सूटेबल प्रोडक्ट होता है वो ही आपके लिए अच्छा होता है, प्रोडक्ट कोई बुरा नहीं होता। आलिया कंवल कह रही है मैम मुझमें विटामिन डी के लेवल्स कम हैं, जब जब सप्लीमेंट लूँ तो ठीक हो जाते हैं पर जैसे छोड़ती हूँ कुछ अरसे के बाद फिर डेफिशिएंसी हो जाती है, प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये समझ आनी चाहिए कि जब आप खा रहे हैं तो उस वक्त तो आपकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, उसके बाद तो आपने अपनी जो कोई फूड के अंदर अपने खाने में कोई चेंज करना है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है, वो आप करते ही नहीं हैं। ठीक है, उसका आसान सा तरीका ये है कि जो वाइट तिल होते हैं, वाइट सेसमी सीड्स या जिनको वाइट तिल कहते हैं, वो आप जो हैं वो तकरीबन आधी चमची, चाय की जो चमची होती है, ठीक है, टीस्पून जो होता है वो आधा चम्मच अगर आप रोज़ लेते हैं तो जो रोज़ाना आपको रिप्लेनिश करना होता है विटामिन डी, या जो डेली की डाइटरी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की, वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो जाती है। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों पूरे हो जाते हैं। हफ्ते में दो दफ़ा आप थोड़ा सा बटर लिया करें, वो भी इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया करेगा।
अंडा ज़रूर लिया करें, डेली ले सकती हैं आप एक अंडे दो अंडे, उसको फ्राई करके और फिर वो ऑयल में बना के खाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बॉयल भी खा सकते हैं और क्या कहते हैं नॉन स्टिक पैन में किसी भी तरह से बना के आप ले सकते हैं, आप अपना ओवन में भी बना सकते हैं, माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं अंडे को, तो वो आपको लेना चाहिए। ये चीज़ें आप ये याद रखें कि आपने सप्लीमेंट लिया, सप्लीमेंट ने उस वक्त आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, अब जो मेंटेनेंस है वो आपने कैसे करनी है, वो आपने अपने फूड को, अपने फूड इनटेक या अपने खाने को मॉडिफाई करके करनी है। तो वो मैंने आपको दो तीन चीज़ें बता दी हैं, वो आप ज़रूर देखें। जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी विटामिन डी होता है और उसके अलावा नट्स में भी विटामिन डी होता है। बहरहाल जो मैंने आपको मेन दो तीन चीज़ें बताई हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उसके अंदर भी विटामिन डी होती है। शाहिना रियाज कह रही हैं हाउ टू यूज़ ग्लाइकोलिक एसिड पील्स एट होम विच यू हैव शोन अस, ऑल्सो यू कैन प्लीज टेल अस अगेन हैंड एंड फीट सनस्क्रीन नेम्स। अच्छा, जो हैंड एंड फीट के सनस्क्रीन्स होते हैं ना, अगर आप बॉडी के जो सनस्क्रीन्स होते हैं वो दें, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन जो भी ऑप्शन है उसमें जैसे एक तो कंपनीज हैं और उन्हीं के ऑप्शंस हैं, वही आप लगा सकते हैं। इसके अंदर जो है वो वाइटनिंग के साथ जो है वो प्रोवामेट का भी आता है और इसके अलावा जो है वो इसिस का भी आता है, ठीक है। ये दो कंपनीज हैं जिनके अच्छे बॉडी पे यूज़ करने वाले जो हैं वो आते हैं सनस्क्रीन्स, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये पूछा है कि ग्लाइकोलिक एसिड पील्स कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, जो घर के लिए मैंने आपको दिखाए हुए हैं जो कि तकरीबन 8% उसके अंदर होता है, उसमें आपने ये करना होता है जैसे आप स्क्रब करते हैं ना, उस तरह से पहले आप अपनी स्किन को क्लिंस कर लें, साफ़ कर लें और वॉश कर लें, उसके बाद बिल्कुल स्क्रब की तरह आपने इसको 10 seconds या अंडर 10 seconds के लिए यूज़ करना होता है। इसको लगा के छोड़ना नहीं है, जो मैं आपको दिखाती हूँ इनको लगा के छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, इनको आपने जैसे स्क्रब करते हैं ना उसी तरह से आप जो है वो 10 seconds के लिए स्क्रब करके और उसके बाद पानी से रिंस ऑफ करते हैं। जब आप इसको रिंस ऑफ कर लेंगे तो उसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं तो आप कोई मास्क भी लगा सकते हैं, और जब मास्क को उतारें तो उसके बाद आप टोनर भी लगाएं मास्क को उतारने के बाद और मॉइस्चराइज भी कर लें, ठीक है। और इसमें यह होता है कि आप कोशिश करें कि आप 15 दिन के बाद एक दफ़ा पील यूज़ किया करें, या आपने बार बार हर हफ्ते या रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करनी, ठीक है। आयशा खान कह रही है सलाम मैम, कैसी हैं आप। मैम मेरी एज 30 है, मेरे फोरहेड पे लाइंस पड़ गई हैं, प्लीज़ कोई अच्छी सी क्रीम बता दें। हल्की सी लाइन है। अच्छा, अगर हल्की सी लाइन है तो ये बहुत अच्छी है, ये उसके साथ है, आप इसको देख लो, ये हाइलुरोनिक एसिड के साथ है, फिलर वाली क्रीम है। हाइलुरोनिक एसिड भी छोड़ें, फिलर वाली क्रीम समझें आप, तो जहाँ पर लाइन है उसके ऊपर आप लगाना शुरू करेंगी तो ये लाइन फिल अप सी लगना शुरू हो जाएगी, उसकी डेप्थ कम हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी है और सिर्फ एक ही दफ़ा लगाएं रात को सोने से पहले। साइमा मकबूल कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। किरण नदीम कह रही हैं हाय डॉक्टर, योर क्लिनिक इज़ ओपन। जी, मेरा क्लिनिक जो है वो 6 days a week जो है वो ओपन होता है, और जो टाइम है वो लिखा हुआ और जो नंबर्स हैं वो नीचे डिस्प्ले पे लिखे हुए होते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मोइस किलानी कह रहे हैं माई डॉटर इज़ 19 years, हर नेल्स आर बेंडिंग, प्लीज़ टेल रीज़न। मोस्ट लाइकली जो है वो एनीमिया हो सकता है, ठीक है। आप इनको मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएंगे, ये तो 19 इयर्स ओल्ड है ना, शी इज़ एन एडल्ट। आप इनको जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, वो इनका एग्जामिनेशन भी करेंगे और एग्जामिनेशन के अलावा जो रिक्वायर्ड टेस्ट होंगे वो आपको लिख के देंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि किस किस्म की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से बेंडिंग ऑफ नेल्स हो रही है, लेकिन मोस्ट लाइकली शी इज़ एनीमिक, ठीक है। जय संसारी कह रहे हैं मैम स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस किस स्केल तक स्किन वाइट करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फेयरनेस आता है या थोड़ा सा आता है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, जिस चीज़ में आप चीनी डालते जाएंगे, ज़्यादा डालते जाएंगे तो ज़्यादा मीठा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो आपका अपना नेचुरल स्किन टोन होता है उसको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है, वही हमें बताता है कि हम आपको कितने इंजेक्शंस में कितना रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। अहमद अली कह रहे हैं मैम मुझे रोजेशिया है, ACM की रोज़ा काम अच्छी है या फार्मा सीरीज की विटामिन के कौन सी यूज़ करूँ। आप दोनों यूज़ करें, आपको दोनों यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो रोज़ा कैम है वो भी बहुत अच्छी है और जो विटामिन के है वो प्लेन विटामिन के है। रोज़ा कैम में एक दो और इंग्रेडिएंट्स भी हैं और विटामिन के में प्लेन विटामिन के है। आप अगर दोनों में से कोई एक यूज़ करना चाहते हैं तो एक से स्टार्ट कर लें, और उसके अलावा इसमें चीज़ें ऐड या और भी मेडिसिंस ऐड की जा सकती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रोजेशिया ने तो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ ही चलना है,
वो कोई ख़त्म थोड़ी हो जाएगा या रिवर्स थोड़ी हो जाएगा कि एक दिन आपकी स्किन से ख़त्म ही हो जाएगा, तो उसने तो चलना है। तो इसमें आपको इसी एक दोनों में से रोज़ा काम या फिर जो है वो विटामिन के की जो क्रीम है, दोनों में से कोई एक चूज़ कर लें। इसके साथ साथ जो है वो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, वो आपने ज़रूर लगाना है। और कुछ चीज़ें जो आपको डॉक्टर ने बताई होंगी कि इनको अवॉइड करें, उनको भी आप अवॉइड करेंगे तो चलता रहेगा, ठीक है। ख़त्म तो नहीं हो सकता बट मॉनिटर्ड रहेगा। फजर अर्शद कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मैम, योर लाइव सेशंस आर मच हेल्पफुल फॉर अस एंड गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। लुबना खान कह रही हैं, हाय मैम, हाय लुबना। रमीज फरीद कह रहे हैं, सलाम मैम, अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स में स्वेटिंग की वजह से जो डार्कनेस हो जाती है उसके लिए कुछ बता दें, ऐसे लगता है वहाँ एक ब्लैक सी लेयर आ गई है, इतनी डार्कनेस है, कुछ बता दें। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि डार्कनेस आती क्यों है। एक्स्ट्रा स्वेट के अलावा इन एरियाज़ पर डार्कनेस इसलिए आती है कि जिस तरीके से आप वहाँ से हेयर रिमूव करते हैं वो डार्कनिंग करता है, ठीक है। अगर आप हेयर रिमूविंग क्रीम्स यूज़ करते हैं तो उसे छोड़ दें, वो उसका जो केमिकल है वो बाल तो हटा देता है लेकिन साथ में डार्कनिंग ऑफ द स्किन कर देता है, उसको छोड़ दें। इसके अलावा जो लोग वैक्सिंग करते हैं, क्योंकि वो स्किन पुल हो रही होती है उससे भी डार्कनिंग होती है, अगर आप ये करते हैं तो इसको भी चेंज करके देखें। अब आपने कहा कि स्वेटिंग भी ज़्यादा होती है, तो इसमें स्वेटिंग को कम करने वाली क्रीम्स जो हैं वो भी दी जाती हैं, उसके अलावा जो डार्कनिंग है उसको कम करने के लिए भी क्रीम्स दी जाती हैं, ठीक है। बट अब ये तो देख के ही आपको बताया जा सकता है, बट क्रीम्स दी जाती हैं डेफिनेटली, और उससे फ़र्क भी पड़ना शुरू हो जाता है। बट मोस्ट लाइकली आपको अपना हेयर रिमूविंग मेथड जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे चेंज नहीं करेंगे तो हमारी फाइट जो है वो पूरी नहीं होगी, चलती रहेगी, ठीक है। नसीम जानशेर खान कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह लुकिंग ब्यूटीफुल। मिसेस जानशेर खान, आप मुझे देख रही हैं कि आप मेरी पेशेंट से ज़्यादा तो फ्रेंड ही हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई और ऐसे लग रहा है कि हमारी कुछ मुलाकात भी हो गई है, एंड वेरी नाइस टू हेयर फ्रॉम यू, बहुत अच्छा लग रहा है। जे संसारी कह रहे हैं, मैम बॉडी हेयर जैसे हैंड्स लेग्स पे वैसे हेयर को इलेक्ट्रोलिसिस क्या परमानेंटली हटाता है या कोई और मेथड है, क्या कह रहे मैम? बॉडी हेयर जैसे हैंड्स लेग्स पे, अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस जो है ना वो बहुत पुराना मेथड है, और इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो इतना अच्छा काम नहीं करता था, जिसकी वजह से लेज़र्स डेवलप हुए। तो अगर आपको अनवांटेड हेयर का प्रॉब्लम है, इशू है, या बहुत मोटे अनवांटेड हेयर हैं, ब्लैक हेयर हैं, कहीं पे भी हैं, अंडर लेग्स, अंडर आर्म्स, फेस, नेक, आपके हैंड्स, फीट, आपकी टांगे, आपके बाजू, कहीं पे भी हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, दैट इज़ लेज़र हेयर रिमूवल, ठीक है। और जब आप लेज़र करवाते हैं तो आपको फ़ील होगा कि आपके तो फॉलिकल्स भी, आपके तो जो फॉलिकल्स हैं वो भी नज़र आना बंद हो गए हैं, ठीक है, इट्स दैट गुड। तो सबसे अच्छा जो मेथड है या सबसे अच्छा जो तरीका है अनवांटेड हेयर के लिए वो लेज़र हेयर रिमूवल है। आलिया कमल कह रही है, मैम आई हैव ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन यूजिंग ज़ैप्सिट फेस वॉश, इस टोनर एंड द अंडर 20 क्ले बीसी का स्क्रब, बट स्किन इज़ नॉट स्मूथ, ऑल्सो हैव लॉट ऑफ वाइट हेड्स, वॉट टू डू? अच्छा देखें, अगर तो आपको एप्लीकेशंस या पूरी के पूरी रूटीन दे देते हैं और फिर भी जो है वो आपको लगता है कि सीबम इतना बन रहा है, वाइट हेड्स क्या होते हैं, उसमें आपको सीबम जो है वो इकट्ठा हुआ हुआ नज़र आ रहा होता है और कुछ भी नहीं होता, तो अगर फिर भी इतना सीबम बन रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें सीबम को कंट्रोल करने के लिए खाने वाली मेडिसिन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप विज़िट कर सकते हो, और फिर क्योंकि खाने वाली मेडिसिन तो ऐसे नहीं बताई जा सकती है, और वो हमने बायोवेज भी देनी होती है, और उसका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, उससे काफ़ी अरसे के लिए आपके जो हाइपर हुए हुए सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और वो ज़्यादा सीबम बना रहे होते हैं वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो वो फिर आपको खाने वाली मेडिसिन ऐड करेंगे तो उससे ठीक हो जाना चाहिए, और आप दिखा देंगे तो फिर मुझे समझ में आ जाएगी, और फिर मैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट और जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आपको मेडिसिन दे दूँगी, ठीक है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का सेशन, और मुझे उम्मीद है एंड होपफुली आपको स्किन की जो फर्मनेस है या स्किन की जो लिफ्टिंग है या स्किन की जो टाइट, स्किन को जो टाइट हम करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं
उसके लिए अवेलेबल जो एप्लीकेशंस हैं, जो चीज़ें हैं जो कि बाकी काम करती हैं वो भी पता चली होंगी, जो होम रेमेडीज़ मैंने बताई हैं वो भी आपको हेल्प कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर आप सब कुछ करते हैं और आपकी स्किन जो है वो ठीक नहीं होती है या रिपेयर या रिजुविनेट नहीं हो पाती है तो फिर आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही आपको हेल्प आउट करेगा और फिर आपके लिए सूटेबल प्रोसीजर, रिक्वायर्ड प्रोसीजर जो है वो आपके साथ डिस्कस करके आपकी स्किन को ठीक कर सकता है।